श्रद्धेय माता भगिनी आदरणीय सहृदय बंधुगण, आज तो मातृशक्ति के बारे में, मातृशक्ति के योगदान के बारे में कुछ बोलना है, ऐसा बताया है। आजकल के जमाने में यह विषय थोड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल की व्यवस्था में भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन में बहुत सा अंतर है। आजकल के जमाने में स्त्री और पुरुष समान है, समानता होनी चाहिए, ऐसी विचारधारा है। उस दृष्टि से सोचते समय भारत की सोच में थोड़ा सा चिंतन का विषय हमको मिलता है, क्योंकि भारत में एक वाक्य बताते हैं, न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, स्त्रियों को स्वातंत्र्य नहीं है, नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ा सा एक आठ अक्षर की पंक्ति हाथ में लेकर बहुत लोग बहुत भूलते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है स्त्रियों की दृष्टि से, स्त्रियां एक अनमोल शक्ति है, उसका रक्षण करना हर एक का कर्तव्य है। कहते हैं पिता रक्षति कौमारे, सब जब लड़कियां छोटी हैं उस समय उनकी रक्षा पिता का है। उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद उनकी रक्षा करने वाला वो है पति, और आगे चलकर रक्षन्ति सविरे पुत्राः, जब बुढ़ापे में रहते हैं उस समय उनकी रक्षा बच्चों का कर्तव्य है। और अंत में बताया न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति, तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है? एक वज्र अगर हमको मिला तो उसकी रक्षा के लिए हम बहुत सोच समझकर उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। एक आयरन रॉड है तो बाहर फेंक देते हैं, कोई उसके ओर देखते नहीं। अपनी स्त्री जो है भारतीय दृष्टि से एक इनवैल्यूएबल, ऐसा बता सकते हैं। सो इस दृष्टि से बोलते समय और भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तो नारी का स्थान जो है वो पूजनीय है, इसलिए पुरुष और स्त्री भारत में समान नहीं है। ये बोलते समय थोड़ा मन में एक चोट आती है, क्या है? इतना ही है, एक छोटा सा उदाहरण। अगर कोई भारतीय संस्कृति में चार आश्रम हम जानते हैं, कई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में जाते हैं, वो भी हमने देखा है। जब वो सन्यासी बनता है, सन्यासी बनने के बाद अगर पूर्वाश्रम के पिता आता है तो सन्यासी पिता को नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा। पूर्वाश्रम में जो पिता था उनको सन्यासी का चरण स्पर्श करना है, लेकिन अगर पूर्वाश्रम की मां आती है तो सन्यासी का कर्तव्य है मां को प्रणाम करना। इस दृष्टि से भारत में जो नारी है वो पुरुष के समान नहीं है, पुरुष से भी थोड़ा ऊपर है। अगर ये हम जानते हैं तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मातृशक्ति जो है वो इतनी अनिवार्य है, माता के बिना कुछ हो नहीं सकता। हम कुटुंब प्रबोधन में बताते हैं, बताते समय
अपना घर एक मंदिर बनना चाहिए ऐसा कहते हैं। मंदिर बनाने वाला कौन है? घर एक विद्यालय बनना चाहिए। विद्यालय में सिखाना व्यक्ति कौन है? जब ये प्रश्न आता है, अपने कर्नाटक में एक शब्द है, घर पहला पहली पाठशाला है, और उस पहली पाठशाला में पहला गुरु है या माता। तो मां का स्थान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा होने के कारण भारतीय संस्कृति के लिए जब हम विचार करते हैं, माता बच्चों के पालन पोषण करने करते आगे चलकर बच्चों को बहुत ऊंचे तक ले जाने की शक्ति मां को सहजता रूप में है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बताया मातृ देवो भव। हम सबने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना है, उसके जीवन की घटना है। जब वो छोटा था, उसको उनके मां ने स्कूल भेज दिया। दो चार महीने के बाद स्कूल से एक लेटर लेकर देकर उनको भेज दिया। मां को तो ऐसा बताया था, एडिसन के मां ने वो पत्र दिखा। पत्र में लिखा था, आपका जो बेटा है वो एक एडल्ट चाइल्ड है, उसका मतलब यूजलेस, स्टूपिड ऐसा कह सकते हैं, इसलिए कृपया उनको स्कूल मत भेजिए, ऐसा बताया। कोई भी मां हो अपने बच्चों को ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखित हो जाएगी, लेकिन बच्चे के सामने दुख दिखाना नहीं है। तो उन्होंने मन में तय किया, मेरा बेटा वो ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे। उन्होंने मन में निर्णय किया, मेरे बेटे को आगे चलकर बहुत ऊंचा पहुंचने तक मैं काम करूंगी, ऐसा निर्णय किया। तो उसकी शिक्षा अपने घर में भी किया। उसके बाद उनकी मां का देहांत हो गया, और एक बार जब थॉमस अल्वा एडिसन जो कबर देखता है, वहां एक ब्राउनिश पेपर उनको देखने के लिए मिला। देखकर वहां लिखा था, जब मां ने मां से बच्चे होते समय बाल्यकाल में जब एडिसन ने मां से पूछा क्या लिखा है, तो तुम इतना ऊंचे स्तर के हो, वहां शिक्षा आपको नहीं मिलेगी, ऐसा बताया, कल से तुम स्कूल मत जाओ, यहां पढ़ो, ऐसा बताया था। लेकिन जब ये पत्र देखा, देखते ही बहुत समय तक गदगद हो गया एडिसन। अंत में थॉमस अल्वा एडिसन लिखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन वॉज एन एडल्ट चाइल्ड दैट थैंक्स टू द हीरोइज्म ऑफ हिज मदर बिकॉज द जीनियस ऑफ द सेंचुरी। थॉमस अल्वा एडिसन बिकेम द जीनियस ऑफ दैट सेंचुरी ओनली बिकॉज ऑफ दैट मदर। इसलिए मां का स्थान, तो वैसे भारत के भी बहुत से घटनाएं हमको देखने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज, जब शिवाजी महाराज मां के पेट के अंदर था, उस समय से जीजाबाई ने उनको शिक्षण देना शुरू कर दिया। आगे चलकर भी हर एक साहस के पीछे जीजाबाई का हाथ था। इसका अर्थ क्या है? अगर मां सही ढंग से बच्चों को शिक्षा देती है, तो बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो एक स्त्री का विभिन्न स्तर है। जब बच्ची है उसको हम कहते हैं कन्या। उसके बाद जब वो प्रबुद्धावस्था में आती है, तो उसकी शादी होनी चाहिए। शादी होती है, शादी होने के बाद स्वाभाविक रूप से बच्चे भी पैदा होते हैं।
तो जब बच्चा पेट के अंदर है उसके बाद लगभग 8 साल तक जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वो अपने माँ के द्वारा ही मिलना चाहिए, ऐसा था। उस शिक्षा को भारतीय परंपरा में कहते हैं अधिशील शिक्षण। ये अधिशील शिक्षण है, उसके पीछे अपने दो इंद्रिय बहुत काम करते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है देखना। सुनने के लिए क्या मिलता है? जब हम छोटे थे हम सबने सुना होगा, घर में दादी थी, वो तो 4 बजे 4:30 बजे उठती थी, काम काज कुछ नहीं है, लेकिन अपने चारपाई में बैठकर गुनगुनाती थी। क्या गुनगुनाती थी? उदय राग, ललिता सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, हनुमान चालीसा, ये सब बच्चों को सुनने के लिए मिलता था, सिखाने की आवश्यकता नहीं। सुनते 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 बच्चों को वो हृदगत होता था। तो इसीलिए एक कुटुंब पद्धति में, भारतीय कुटुंब पद्धति में ये सब मिलता था। एक घटना ऐसी है, कुटुंब के क्या क्या मिलता है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतर होता है, इसके बारे में इंग्लैंड में उस समय की प्रधानी थी मार्गरेट थैचर, और श्रीमती मार्गरेट थैचर के उनको अपने हिंदू स्वयंसेवक संघ के लोगों ने एक संक्रांति उत्सव को बुलाया। उस उत्सव में श्रीमती मार्गरेट थैचर कहती है भारतीय संस्कृति में आपका आपकी पद्धति इतनी अच्छी है, आप सहजता से स्नेह जीवी हैं, आप शांत प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, जो ये संस्कार आपको कुटुंब में मिलता है उसका पालन कीजिए और उसका थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए, ऐसा कहा था। ये उनकी कहानी हो गई। और एक है, पुराने जमाने में अमेरिका में मजदूरों की कमी थी, इसलिए अफ्रीका से निग्रो लोगों को वहां बुलाते थे, जहाज में लेकर जाते थे, लेकिन गुलामी पद्धति जब कम हो गई, अफ्रीका से लेना ये गुलामी लोगों को, निग्रो लोगों को लेना कठिन हो गया, उस समय अमेरिका लोगों ने कैसा किया, वहां से स्त्री पुरुष दोनों आते थे, जब काम कम था ये स्त्री पुरुषों को एक साथ छोड़ते थे, सहजता से स्त्री मां बनती थी, बनने के बाद जब तक बच्चों को दूध की आवश्यकता है वहां तक उनको मां के साथ छोड़ना, उसके बाद बच्चों का अलग करना। इसे क्या होता था, ये मजदूरों का समस्या जो थी वो कम हो गई। ये प्रकरण अपने सह सरकारी और मान्य दत्ता जी जब अटलांटा गए थे, वहां से उनको ये अटलांटा के निग्रो लोग जो थे वो लेकर उनके एक स्थान पर गए, और बताते समय उन्होंने कहा बहुत कठिन था, बच्चों को माँ कौन है, पिता कौन है नहीं मालूम था, पति पत्नी को भी किसका बेटा है, मेरा पति कौन है, मेरा पत्नी कौन थी, कुछ मालूम नहीं। ऐसी स्थिति से हमको भी ऊपर उठना है, हमको भी एक फैमिली बननी चाहिए। तो इस दृष्टि से फैमिली में क्या है ये देखने के लिए हमने जो मॉडल लिया है वो भारत से है। भारत के राजस्थान, तमिलनाडु ऐसे प्रांतों में जाकर वहां के लोगों के साथ बैठकर कुटुंब में क्या चलता है ये सब देखने के बाद उसका अनुकरण हमने किया है, ऐसा उन्होंने माननीय दत्तात्रेय होसवाले से बताया। इसका अर्थ इतना ही है, विश्व में एक कौटुंबिक जो पद्धति है, इस कुटुंब में स्त्री का स्थान तो क्या है, बताते हैं, विद्या समस्ता तव देवी भेदा। भगवती के बारे में हम बोलते समय सब विद्या का विभिन्न रूप है मां भगवती, तो स्त्री क्या है, स्त्रिय समस्ता सकला जगत सुख। वैसे ही
सब स्त्री वो अपने भगवती के एक रूप हैं, ऐसा कहते हैं। और भगवती देवी, देवी के बारे में ललिता सहस्रनाम में एक वाक्य आता है, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी, ऐसा आता है। ये इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी का मतलब क्या है? ये तीन अलग अलग शब्द नहीं है, ये सहस्रनाम में आता है, लेकिन सहस्रनाम बताते समय इच्छा शक्ति नमः क्रिया शक्ति नमः सरस्वती नमः ऐसा नहीं कहते हैं। ये सब मिलकर एक वचन में इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूपिण्यै नमः ऐसा बोलते हैं। ये तीन मिलकर एक है भारतीय, ये है भारतीय नारी, यानी एक दृष्टि से वो लक्ष्मी है, एक दृष्टि से वो सरस्वती है, और एक दृष्टि से वो दुर्गा भी है। तो ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को विशेष रूप में अपने कन्याओं को सिखाते थे हर घर में। जब लड़कियां छोटी हैं, हर काम छोटा छोटा काम उनसे करवाते थे। इसीलिए बताते हैं मातृदेवो भव, माता वो कहती थी। और जब शादी होती है, शादी होते समय तो पत्नी बनती है, वधू बन जाती है, उस वधू का पत्नी का उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए बताते हैं। कार्येषु दासी, तो जो भी काम आए तो मुस्कुराते हुए ही करना है, यह पहला पाठ है। तो दासी वहां रखते नहीं, करणेषु मंत्री, कुछ करना है तो डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक स्त्री का स्थान स्थान है। रूपे च लक्ष्मी ही, रूपे च लक्ष्मी ही बाह्य रूप नहीं है, संपद भरी और क्षमया धरी, उसका ये जो गुण है क्षमा, पुरुषों को उतने आसान से नहीं आएगा, क्षमया धरित्री। और भोज्येषु माता, जब खिलाती है समय उनको भी अनुभव होगा, कई बार थोड़ा गुस्सा सताता है, आते समय जब पत्नी परोसने के लिए आती है, परोसते चाहिए बस ऐसा बोलते हैं, लेकिन पत्नी क्या करती है, आपको कितना चाहिए मुझे मालूम है, मैं परोसती हूं खाकर जाना, ऐसा बोलती है। ऐसा बोलने का जो हक पत्नी को है, शयनेषु रम्भा की आवश्यकता नहीं। ऐसे कर्म युक्ता कुल धर्म, तो एक स्त्री का विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न स्तर से काम करना है। मातृशक्ति विशेष पुरुष और स्त्री में बड़ा अंतर इतना ही है, सिर्फ मां अपने जैसे बच्चों को, पुरुष नहीं, पुरुष कारण बन सकता है लेकिन जन्म लेना है देना है तो वो मां का काम है। तो इसलिए मातृशक्ति सृष्टि की एक जीवनाड़ी है। तो माता युवतियों को निर्माण करने वाली चैतन्य दिशा देती है, चैतन्य देने वाली एक शिल्पी है। अगर हम किसी घटना देखते हैं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है तो एक मां तो हो सकती है, नहीं तो पत्नी हो सकती है। हर एक अत्युत्तम महत् साधना के पीछे एक स्त्री है ही। तो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा इन तीन तीनों शक्तियों का एकत्रीकरण एक मां है। इसीलिए
दुर्गा सप्तशती में भी बताया है, नमस्तस्य नमो नमः, किसको? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। ये माता बनने के पहले जो है जो विवाह संस्कार, ये भी भारत की एक विशेषता है। विवाह के पीछे की मानसिकता क्या है, विवाह क्यों? तो विवाह के पूर्व वधु और वर उनके माता पिता बैठकर अलग अलग संकल्प करते हैं। उस संकल्प में प्रमुखता क्या है? धर्म प्रजाभिवृद्ध्यर्थम, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, अच्छे संतति को समाज के लिए देना चाहिए। शादी का विशेषता है, शादी होते के समय साधारणतः एक मानसिकता है, पुरुष श्रेष्ठ, स्त्री थोड़ा निचले स्तर की है, ऐसा आजकल की सोच है। ये आजकल की सोच आने के लिए कारण भारतीय संस्कृति नहीं है। जब विवाह होता है, विवाह के दिन बोलने वाले मंत्र सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशुरवां भव, अपने घर में जहां तुम जाती हो वहां तुमको वहां की रानी बनना चाहिए। रानी बनना चाहिए का मतलब अधिकार से नहीं, आपके काम से। एक शुद्ध हृदय से अगर एक लड़की अपने घर में काम करती है तो सब उसका आदर करते हैं। तो ऐसा आदर जब स्त्रियों को मिलता है तब ये सब समस्या हल होने वाला है। लेकिन आजकल ये अधिकार, समानता, ये शब्दों के पीछे हम जो दौड़ते हैं, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई है। स्त्री तथा पुरुष कर्तव्य के बारे में सोचता है तो सब ठीक होने वाला है। तो मिलती है वो पहले अपने घर में मिलती है, और घर में उसका पहला दायित्व है मां का। सिर्फ सिखाने वाले सब हैं, वैसे तो हम भी सीखते हैं, हमको भी बच्चे सिखाते हैं। अपने कार्यकर्ता के साथ एक घर में हम गए थे सवेरे जलपान के समय। जलपान के समय मंत्र बोलना हमारा स्वभाव नहीं है, तो जलपान अति हमने शुरू कर दिया। वहां एक 6 साल की लड़की थी, उन्होंने तुरंत उसके दादा को बुलाया, दादाजी दादाजी, जोर आवाज से। दादाजी घबरा गए, तुरंत आ गए, क्या है? तो ये बोलती, हमको दिखाकर बोलती है, दादाजी इन्होंने मंत्र नहीं कहा है, उस बच्ची के लिए हमको मंत्र कहना पड़ा, क्योंकि वो एक उत्तम विचार में है, उसको हम नीचे नहीं लाना चाहिए। इसलिए बच्चों से भी हमको सीखने के लिए मिलता है, लेकिन बच्चों को सिखाने का दायित्व तो ये सबका है, भी माता का दायित्व तो अधिक। क्या क्या सिखाते हैं, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कैसा कैसा बैठना, कैसा उठना, कैसा, ये सब बोलते 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 बच्चों को सिखाते हैं। झाड़ू लगाना है कैसे है, ये सिखाते हैं। तो ये सिखाने की दृष्टि से अपना घर एक मंदिर है, एक विद्यालय बनाना, ये मां का दायित्व है। अगर मां ठीक ढंग से अपना दायित्व निभाती है, भारत एक श्रेष्ठ देश था, आगे चलकर भी श्रेष्ठ देश बनेगा। अगर बनना है तो हमको अपना उसको थोड़ा सा अपने घर में, आजकल के शिक्षा क्षेत्र में उनकी कमी है, उसको ठीक करना हर एक का दायित्व है। घर को मंदिर कैसे बनाएंगे? मां ठीक ढंग से सोचती है, अपने आप बना सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, वाला लड़का तो 3 काम तो घर में चलते ही हैं,
एक तो स्नान, स्नान करने के बाद बच्चे अपने अपने काम में जाते हैं, लेकिन एक स्तर के बाद उस बच्चों को सिखाना चाहिए स्नान के बाद भगवान के लिए ये जो जगह है वहां जाकर एक मिनट के लिए बैठ जाओ, और जो पहले स्नान करके आता है उसको एक दीप जलाने की सुहाव, जो पहले आता है उसको दीप जला, वो दीप 2-3 मिनट में बुझ जाएगा, छोड़ दीजिए, लेकिन दीप वहां जलाकर वहां बैठना 1-2 मिनट, अधिक बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर उसके मन में आ गया तो थोड़ा सा 5 मिनट तक वो बैठता है तो अच्छा है, लेकिन मां को फोर्स नहीं करना, सिखाने का भी एक तरीका है। तो हरेक को स्नान के तुरंत पश्चात शुभ्र वस्त्र धारण करके भगवान के सामने बैठना, भगवान को देखते देखते आंखें बंद करना, आंखें बंद करने से थोड़ा सा अंदर हम देख सकते हैं, वो सिखाना। उसके बाद जब बच्चा आगे जाता है उसके मस्तिष्क में एक शक्ति अपने आप आती है। वैसे बच्चों को सिखाना, सिखाने का तरीका ऐसा सब अलग अलग है। एक छोटा सा 9th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा था, एक दिन स्कूल से आया, आते समय माँ ने कहा देखो बेटा मैं भूल गई आपके पिताजी से सब्जी लाने के लिए कहना, मुझे मैं भूल गई, कृपया जाकर बाजार में जाकर सब्जी लेकर आ। तो लड़का 9th स्टैंडर्ड का, नहीं मुझे खेलने के लिए जाना है, मैं नहीं जाऊँ। तो माँ ने बोला देखो बेटा अगर तुम नहीं जाते हो तो मुझे जाना पड़ेगा, क्या करूँ। तो बच्चे ने एक क्या है कॉम्प्रोमाइज की दृष्टि से, अगर मैं जाकर आऊं तो मुझे आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो माँ ने 10 रुपये देने के लिए अनुमति दी, 100 रुपये का नोट दिया, बाजार में भेज दिया वो सब्जी लेकर, माँ को दिखाते दिखाते 10 रुपये के नोट जोब में डालकर खेलने के लिए गए। दूसरे दिन उस घर में 5:30 बजे उठने का तो स्वभाव ही था, बच्चा उठता था, प्रातः विधि सब पूर्ण करके स्नान करके भगवान के सामने 5 मिनट बैठकर अपने अध्ययन कक्ष में आता था। अध्ययन कक्ष में आकर बैठता है, वहाँ एक छोटा सा स्लिप है, उसमें देखते ही माँ का अक्षर है, क्या लिखा है देखता है, सवेरे बच्चों को उठाने के लिए 0 रुपया, बच्चों को आहार तैयार करने के लिए 0 रुपया, घर में जो जो काम करना है ये सब लिख कर हरे के सामने 0 लिखा और अंत में कुल कितना हो गया 0, ऐसा लिखा था। बच्चे ने पढ़ा, पिछले दिन 10 रुपये माँ से उन्होंने लिया था, वो स्लिप लेकर माँ को ढूंढकर किचन में गए। माँ अपना काम करती थी, माँ जानती थी वो बच्चा आएगा, पीछे से माँ को पकड़ लिया, माँ पूछे क्या बेटा, पीछे नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि वो जानती थी बच्चे के आंखों में आंसू आए थे, माँ माफ करना, ठीक है बेटा जान लिया ना जाओ, अच्छा ऐसा भेज दिया। तो ये काम अगर बच्चों के साथ हम करते हैं तो पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, पश्चाताप ये कोई दिन नहीं आएगा। और ऐसी कथाएं हमको सुनाना भी है, जैसे रामायण में एक घटना की है, रामायण में एक ही घर में 3 स्त्रियां हैं, एक कौशल्या है, दूसरी कैकेयी है और तीसरी सुमित्रा। राम जी का पट्टाभिषेक का दिन का घोषणा हो गई, अत्यंत आनंदित हो गई कौशल्या, अपने बेटे को युवराज बनने का मौका मिल गया। लेकिन दूसरे दिन सवेरे राम आता है और बोलता है माँ जी तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पिताजी का आदेश है मुझे वनवास जाना है। कौशल्या तो थोड़ा राजसा प्रवृत्ति की रानी तो थी, तुरंत गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से में बहुत चर्चा हो गई और अंत में एक उन्होंने बताया मैं तुम्हारी माँ हूं,
मात्र देवो भव ऐसा कहा है, जो मैं कहता वो मैं कहती वो आपको करना पड़ेगा। पर राम ने हंसकर बताया, देखो मामा मात्र देवो भव बहुत ठीक है, लेकिन पिताजी ने वनगमन के लिए मुझे आपसे पहले कह दिया, इसलिए पहले उनका काम करके बाद में तुम्हारा काम करूंगा ऐसा बताया। तो कौशल्या को मानना पड़ा। तो एक राजस प्रवृत्ति की स्त्री बन सकती है, दूसरी है कैकेयी। वैसे तो कैकेयी बहुत क्या है, निम्न स्तर की रानी थी, ऐसा नहीं है। मंथरा अगर बोलती है राम का पट्टाभिषेक का दिन आ गया है, तो आनंद से अपने गले से हार लेकर उनके गले में डालती है। तो मंथरा का जो कुतंत्र था ये सब होने के कारण अंत में कैकेयी यहां तक पहुंच गई, अगर राम वनवास नहीं जाता है तो मैं प्राण दूंगी ऐसा बताया। तो सात्विक गुण था, राजस गुण तो था ही, लेकिन तामस गुण ऊपर। और एक लड़की रानी थी ना वहां सुमित्रा, तो सुमित्रा से अनुमति लेने के लिए लक्ष्मण गए। लक्ष्मण के मन में था कौशल्या ने क्या किया उन्होंने देखा है, तो मैं ही जा रहा हूं ऐसा बोलते समय वो क्या कहेगी, उनके मन में तो संशय तो था, फिर भी गया। तो सुमित्रा ने क्या है, उन्होंने कहा मां मैं वनवास जा रहा हूं। क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया सीताराम जी की सेवा करना है, मैंने तय किया है, मैंने निर्णय किया है, मैं जाऊंगा। पक्का है क्या? हाँ पक्का है। तो देखिए एक कौशल्या, एक कैकेयी और तीसरी एक सुमित्रा। वैसे तो सुमित्रा की कहानी बहुत कम आती है, लेकिन उसका जीवन चार कैसा था उन्होंने बताया। देखो बेटा होना पक्का है, तो देखो अब से, आज से भी नहीं अब से, तुम्हारा पिता कौन है? रामम दशरथम विद्धि, राम तुम्हारा पिता है। माम विद्धि जनकात्मजाम, तुम्हारी मां वो सीता माता है। अयोध्या अटवीम विद्धि, जो वन है तुम्हारे लिए वही अयोध्या है। हो सकता है क्या? लक्ष्मण बहुत आनंदित हो गया, उन्होंने सोचा था तो सुमित्रा भी कुछ बोलेगी, तो आनंद से वहां कह दिया। तब मन में वेदना थी, वेदना होने के बाद भी सुमित्रा ने क्या कहा, गच्छतात यथा सुखम, जाओ बेटा आनंद से जाओ, वनगमन उतना आनंद का विषय नहीं था। तो जब ऐसी कथाएं आती हैं, हमारे बच्चियां सब ये सुनती हैं, उनके मन में भी आना आएगा, कौशल्या जैसे होना गलत नहीं है, कैकेयी जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुमित्रा जैसा होना ये चाहिए, ऐसा एक विचार मन में आएगा, ऐसा एक विचार सिखाने का। इसको हम कहते हैं अधिशील शिक्षण। अधिशील शिक्षण में सुनना और देखना, ये सुनने के लिए और देखने के लिए। देखने के लिए अपने घर में व्यवस्था होनी चाहिए, सुनने के लिए घर में विषय मिलना चाहिए। अगर ये सब होता है तो माँ सिर्फ माँ नहीं होगी, माँ एक गुरु भी बनेगी। और जिस घर में माँ गुरुत्व का स्थान पाती है, अधिकार कहाँ है? कर्तव्य का। भारत की श्रेष्ठता इसमें है, कभी भी हमने अधिकार के बारे में सोचा ही नहीं, राइट्स नहीं, ड्यूटीज, कर्तव्य। अपने घर में ये अधिकार से ऊपर जाकर कर्तव्य के ओर जाना है, ये सिखाने वाली जो माँ है उसको, ऐसे माँ हमको मिलनी चाहिए अपने घरों में, ये सब हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और जैसे शंकराचार्य जी के हमने सुना है, शंकराचार्य जी तो माँ को, शंकराचार्य जी संन्यास ग्रहण करना मन में पसंद नहीं था, लेकिन अनिवार्यता हो गई। उस समय उन्होंने एक वादा किया था, जब आप मरणासन्न होती हैं उस समय पहुंचूंगा।
तो उस समय पहुंचते समय एक मां के बारे में उन्होंने लिखा है, आस्ताम तावदियं प्रसूति समये दुर्वार शूलं यथा। मां, जब मैं तुम्हारे पेट में था, इतना कष्ट तुमको दिया है, और पैदा होने के बाद भी नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या, एक साल तक मल मूत्र सब चारपाई में करता था और तुम मेरे पास थी, उस समय एक बार भी बुरा नहीं बात बताया, सब काम आनंद से किया। इसलिए जो आपने सहन किया वैसे मां तुम है हो, उसका मैं कैसे ऋण चुकता कर सकता हूं? तो बताते हैं, दातुम निष्कृति मुन्नतोपि तनयः, कितना भी हम दे हम ऋण से मुक्त नहीं होंगे। तस्यै जनन्येन मां, वैसी मां है, मां को प्रणाम करना है। ऐसे मां हमको बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो ये आजकल की जो सोच जो है उसको थोड़ा छोड़कर भारतीय संस्कृति के सोच के साथ हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हम जब सोचते हैं, एक अंग्रेजी में एक मुझे छोटा सा मिला, उसमें लिखा है, When I was born, there was a woman to hold me, मुझे पकड़ने के लिए एक स्त्री थी, वो कौन थी? My mother. As I grew up a child, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, there was a woman to play with me, मुझसे खेलने के लिए एक स्त्री थी, वो कौन थी? My sister. I went to school, स्कूल जाना पड़ा, उस समय भी I met a woman in my school, and who was she? My beloved teacher. आगे चलकर जब मैं युवा बन गया, I needed compatibility, company and love, ये मुझे चाहिए था। उस समय a woman was there for me, my beloved wife. आगे चलकर when I became rough and tough, there came a woman to melt me, and who was that? My daughter. And when I leave this world, a woman will be there to absorb me in, my motherland. So if you are a man, respect every woman, and by God's grace, if you are a woman, be proud to be one. ऐसी सोच हमको अपने घर में अपने बच्चों के साथ सहयोग, अपने सहवास से सिखाने का जो काम है वो करना है। वैसे बहुत है, काम है, एक गृहस्थ आश्रम के धर्म, उसमें आतिथ्य भी आता है। आजकल आतिथ्य के बारे में पूछते समय क्या होता है, अगर कोई घर में अतिथि आता है तो आनंद होता है या दुख होता है? बोलते समय तुरंत बोलते हैं आनंद होता है, लेकिन प्रश्न थोड़ा अन्य रीति से बता दिया तो, जब वो अतिथि आता है, आप कई सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते समय कोई अतिथि आता है तो आनंद होता है दुख होता है? एक कॉलेज विद्यार्थी ने उत्तर दिया था, जी इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड टाइम। ये अतिथि नहीं, अतिथि यानी बिना बताने से आने वाले, उसको भी आदर करना है, सिखाने वाला कौन है? भोजन करते समय जूठन इधर उधर बिखरते हैं नहीं बिखरते हैं, बताने वाला कौन है?
परोसना है, बच्चों को सिखाने वाले कौन है? ये सब सोचते समय छोटी छोटी जो विचार है ये सब मातृशक्ति को अपने बच्चों को जब ऊपर आने की दृष्टि से सिखाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बात सिखाने का दायित्व तो ये लेकर अपने मातृशक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है, ऐसा मानता हूं। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार।